हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। आज का वीडियो होने वाला है हेयर केयर पे। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लें, और इस वीडियो को लाइक सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर किसी की एक ड्रीम लेंथ होती है कि मुझे बाल इतने चाहिए। मुझे तो भैया काफी लंबे बाल पसंद है, और जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मेरे बाल काफी ज्यादा लंबे थे। आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट टाइम के साथ साथ इंसान खुद को चेंज करना शुरू कर देता है। मैंने भी किया, आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आई, मैंने काफी कुछ बालों पे ट्राई किया जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम, क्या क्या बताऊं मेरे बालों के साथ क्या क्या हुआ। इन सब से बचने के लिए मुझे ना, खासकर मेरे जो हेयर हैं वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाते थे, स्प्लिट इंच की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आप देखते होंगे कि मैं ज्यादातर जाके बाल कटवा लेती हूँ कि मुझे स्प्लिट इंच नहीं चाहिए। चलो ठीक है, बाल थोड़े छोटे रहेंगे लेकिन हेल्दी रहेंगे। मेरा मानना है कि बाल लंबे रहें, हेल्दी रहें, नहीं तो अगर हेल्दी नहीं है भैया, पतले पतले हैं, तो फिर इससे अच्छा तो यही है कि बाल कटवा लो। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिल गया है। और मैंने इस चीज को यूज करते हुए काफी सारे इन्फ्लुएंसर को देखा हुआ है, तो फिर मैंने जब देखा तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। मैं बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा, और इस प्रोडक्ट को मैं एक महीने से यूज कर रही हूँ। एक महीने का मैंने टाइम लिया, अब मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। इंट्रो हो गया काफी ज्यादा लंबा, इसे और बड़ा नहीं करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं लोरियल पेरिस ड्रीम लेंथ रेंज के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाता है लोरियल पेरिस रिस्टोरिंग शैम्पू विथ वेजिटल कैरेटिन एंड कस्टर्ड ऑयल। इसके साथ आपको मिलता है लोरियल पेरिस ड्रीम लेंस डिटेंगलिंग कंडीशनर, और इसका जो मेन स्टार बोल सकते हैं वो ये है लोरियल पेरिस ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम। एक्चुअली ए लीव इन कंडीशनर है, जिसे आप जैसे ही शैम्पू करते हो, शैम्पू कंडीशनर के बाद इसे आप लगा के छोड़ सकते हो। इसकी काफी सारी खासियत है जो मैं आपको वन बाय वन करके बताती जाऊंगी। सबसे पहले चलो हम इसका रिव्यू देख लेते हैं, इसके बाद हाउ टू यूज, मेरे बाल पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, वन बाय वन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बाय द वे, इन सबका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, तो आप लिंक के थ्रू जाके ले भी सकते हो। सबसे पहले चलो हम इसका रिव्यू देख लेते हैं। नो हेयर कट क्रीम, तो ये है लिव इन कंडीशनर, इसे आप शैम्पू कंडीशनर लगाने के बाद इसे आप लगा के अपने बालों में छोड़ सकते हो। अच्छा हाँ, अगर आप कोई हेयर टूल्स यूज कर रहे हो ना, तो उस हेयर टूल्स को यूज करने से पहले भी आप इसे लगा सकते हो। तो ये है लोरियल पेरिस ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम लिव इन सील्स स्प्लिट इंड्स स्ट्रेंथ लेंथ एंड टिप्स लॉन्ग डैमेज्ड हेयर। लोरियल पेरिस ड्रीम लेंथ रेंज का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है वेजिटल कैरेटिन विटामिन एंड कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल का यूज सदियों से हेयर केयर में होता आ रहा है, तो आप सभी को पता ही होगा। ये आपके बालों को नरिश, मॉइस्चराइज, एट द सेम टाइम लंबे भी करते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए आप इनके पूरे रेंज को जरूर ट्राई कीजिएगा, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। रिव्यू तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब चलो हाउ टू यूज दिखाते हैं। वैसे शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करना हर किसी को पता है। बाय द वे, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए ना, तो आपकी इनकी जो रेंज है वो सारी ट्राई करनी पड़ेगी। हर ब्रांड सोच समझ के पूरी रेंज निकालता है ताकि वो आपको ना बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर पाए। तो शैम्पू कंडीशनर करने के बाद आपको लेना है जो ये नो हेयर कट क्रीम है लिव इन कंडीशनर। तो चलो मैं आपको लगा के दिखा। आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर गीले बालों में ही आपको लगाना है, तो आप देख सकते हो मैं शैम्पू एंड कंडीशनर करके आ रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लोरियल पेरिस ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम लिव इन क्रीम है, वलनट अमाउंट में आपको लेना है, वलनट साइज में। और ये आपको ना मिड लेंथ में लगाना है, पूरे बालों में नहीं लगाना, और अच्छे से आपको लगाना है। लिटिल बिट क्वांटिटी आपके पूरे बालों के लिए इनफ होती है। तो ये देखिए, जैसे आप लगाते हो आपके हेयर कितने ज़्यादा हेल्दी साइनी, फर्स्ट यूज में ही आपको डिफरेंट दिख जाएगा, और सूख जाने के बाद देखिए कितने ज़्यादा साइनी लग रहे हैं बाल। अब चलो हम आपको बिफोर एंड आफ्टर की क्लिप भी दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि पहले मेरे बाल कैसे थे और अभी कैसे हैं। ये देख लीजिए आप बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा अंतर है। तो बिफोर एंड आफ्टर की क्लिप भी आप लोगों ने देखी ली, आपने देखी लिया कि पहले मेरे बाल कितने ज्यादा रूखे सूखे बेजान, स्प्लिट इंच की प्रॉब्लम हो जाती थी। बट जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ, थैंक गॉड
अब मुझे मेरे हेयर काफी ज्यादा हेल्दी शाइनिंग ग्लॉसी लगते हैं। एट द सेम टाइम अब मुझे बार बार पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जाऊंगी भाई पार्लर, जब मेरे बाल हेल्दी रहेंगे, इस प्रोटीन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें पार्लर क्यों ही जाना है ना। सो आप लोग क्या सोच रहे हो, देर मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यार, ट्राई कीजिए। फाइनली मुझे मेरा ड्रीम लेंथ मिलने वाला है और अभी एक महीने से ज्यादा हो गया मैं पार्लर नहीं गई हूँ। आप देख सकते हो मेरे हेयर कितने ज्यादा ग्लॉसी शाइनी एट द सेम टाइम लंबे भी लग रहे हैं ना। सो मिलती हूँ आप सबने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ले लीजिएगा।